आज का सेशन है हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर हमारा आज का कौन सा हमारा सिक्स है, सेशन नंबर सिक्स है, टू स्टडी वर्किंग एंड कलेक्शन ऑफ लाइटिंग सोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल इनकैंडेसेंट लैंप है और इस तरह एलईडी है और इसी तरह जो है हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैंप है, फ्लोरोसेंट लैंप है, कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट जो है आपका ये वाला है कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप CFL और इसी तरह LED लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, तो ये लाइटिंग सोर्सेज की डिफरेंट टाइप्स हैं, पांच टाइप्स हैं, इसको थोड़ा सा हम एलैबोरेट करने की और डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, इसमें फिर आपकी कोई इनपुट हो, फॉर एग्जाम्पल मैं जो डिस्कस करता हूँ इसमें कोई चीज़ आप समझते हैं कि इसमें इनपुट कर सकते हैं तो सेशन के एंड पे आप वो अपनी इनपुट यहाँ दे सकते हैं, ये जस्ट एज अ क्लास पार्टिसिपेशन। ठीक, अच्छा अब हम देखें तो इसके अंदर जो लाइटिंग सोर्सेज है इसके अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रिक सोर्सेज की टाइप्स हैं वो हमने लिख दी है कि इनकैंडेसेंट लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप, हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैंप, कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, इसकी हमने यहाँ ये आपको एब्रीवेशन नजर आ रहा है, और इसी तरह लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, ये सारे अब जो हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैंप या इसको सिंपल डिस्चार्ज लैंप भी कह देते हैं, इनकी जो आगे टाइप्स है वो है आपका सोडियम वेपर लैंप है, इसी तरह मर्करी वेपर लैंप है, और इसी तरह जो है आपका मेटल हेलाइड है। ठीक है, ये लैंप्स है। अच्छा, इसके बाद आप देखें तो सोडियम वेपर लैंप पे हाई प्रेशर लो प्रेशर टाइप्स होती हैं, और इसी तरह जो है आप देखें मर्करी है, तो मर्करी का वैसे ये वैसे कलर लिखा हुआ है, ये डिफरेंट जो आपके मटेरियल्स होते हैं उनकी जो कोटिंग करते हैं हम इसकी ट्यूब के ऊपर उससे डिफरेंट, जैसा कलर्ड लाइट्स हम लेते हैं तो डिफरेंट उनकी लाइट्स की कलर डिफरेंट होते हैं, मर्करी का नॉर्मली उसका मर्करी का जो है वो वाइट होता है, इसी तरह बाकी डिफरेंट कलर्स जो है उसमें आप देखें अगर फॉर एग्जाम्पल तो आप देखेंगे कि नियॉन अगर आप चूज करते हैं तो ऑरेंज कलर की है, और इसी तरह क्लोरीन है तो ग्रीन कलर है, और इसी तरह हाइड्रोजन है तो पर्पल कलर है, और नाइट्रोजन है तो रेड है, रेडिश कलर होता है। तो इस तरह आपकी डिफरेंट जो आप ऊपर जो कलर है जो डेकोरेशन लाइट्स में यूज होती है नॉर्मली, तो वो कलर आप जस्ट उसकी गैस को अंदर से चेंज करके हम वो कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो मर्करी वेपर हो गया ये हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैंप की टाइप्स, और अगला मेटल हेलाइड है जिसके अंदर प्रोब स्टार्ट, ये दो डिफरेंट स्टार्ट के मेथड है, प्रोब स्टार्ट और पल्स स्टार्ट, ये दो इसकी टाइप्स है, मतलब स्टार्टिंग बेस्ड ऑन दी वर्किंग। और इसी तरह एक मेटल हेलाइड की टाइप वो भी है जो कि सिरामिक मेटल हेलाइड कहते हैं, इसको सिरामिक का ये भी यूज होता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ये। अब ये सिरामिक ज्यादा डेकोरेशंस में या इस तरह की कुछ लाइट्स यहाँ आपको चाहिए होता है वहां ये यूज होता है। ठीक, अच्छा अब हम सबसे पहला काम करते हैं इनकैंडेसेंट लैंप, जो कि पुराना बल्ब हमारा यूज होता था घरों में, ये वो वाला बल्ब है, इसके पार्ट्स यहाँ बताए हुए हैं, दूसरा मतलब ये कैप है आपका ये, और इस तरह ये स्पोर्ट ग्लास है जिसको जिसके ऊपर जो है आप देखें तो ये जो लीड्स जा रही होती है लीड वायर, इसको लीड्स वायर भी कहते हैं, लीड वायर कहते हैं लीड्स वायर, और इस लीड्स वायर के आगे देखें तो आपको ये स्पोर्ट वायर होती है, क्योंकि लीड वायर्स और उसके दरमियान में स्पोर्ट जस्ट वो लीड वायर बड़ी कमजोर सी होती है, तो उसको स्पोर्ट करने के लिए दरमियान में दो वायर्स यूज की होती है, और आखिर में ये जो है ना ये फिलामेंट होता है आपका, तो टंगस्टन का फिलामेंट बना होता है ये, और इसके बाद हमने इसके अंदर आर्गन गैस होती है 85% और नाइट्रोजन 15% लो प्रेशर पे हमने इसको फिल किया होता है, इसको स्पोर्ट ग्लास भी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम भी था इधर मेरे को भूल गए, तो दूसरा इसका एक और नाम भी है इधर। ठीक है, तो ये अच्छा अब इसके अंदर देखें तो आपको ये जो स्पोर्ट वायर है इसका मटीरियल लिखा हुआ एल्युमिनियम इससे बना होता है। अब हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में देखते हैं, इसके जो कॉयल है टंगस्टन कॉयल और टंगस्टन कॉयल, ये कॉयल फिलामेंट भी हो सकता है, कॉयल्ड कॉयल फिलामेंट, ये दो इसकी टाइप्स हैं, और उसका लिखा हुआ है कि टू एडजस्ट द लार्ज फिलामेंट इन अ स्मॉल स्पेस वी यूज कॉयल्ड कॉयल फिलामेंट, तो ज्यादा स्पेस में अगर आपकी स्मॉल स्पेस है उसमें बड़ा फिलामेंट लगाना है उसमें हम ये कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इसका प्रोसेस देखते हैं, प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इधर मेंशन किया हुआ है, फॉर एग्जांपल देखें कि करंट फ्लोज अक्रॉस द फिलामेंट, जब आप सप्लाई देंगे यहां से तो करंट फिलामेंट में फ्लो हुआ, ये पहला स्टेप है। उसके बाद क्या है कि टंगस्टन फिलामेंट हैज हाई रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस हाई होती है। अब क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज अलॉन्ग फिलामेंट, तो रेजिस्टेंस चूंकि हाई है तो जब करंट फ्लो होगा तो हाई रेजिस्टेंस है तो आपका वो हीटअप होगा, तो ये आपका टेम्परेचर इसका बढ़ना शुरू हो गया, तो इसकी रेजिस्टिविटी भी लिखी हुई है कि रेजिस्टिविटी 5.6 ओम होती है, और मेल्टिंग पॉइंट इसका जो है वो 3400 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका मतलब ये मेल्ट नहीं होता, मतलब आपका वो होगा हीटअप ही होगा। तो आप देखें बल्ब फिलामेंट्स डज नॉट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर, चूंकि हमारा देखें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हमने ज्यादा रखा है इस मटीरियल का, इसका ये प्रॉपर्टी है। अच्छा, इसमें देखिए आगे नेक्स्ट क्या है, हीटेड फिलामेंट टू स्टार्ट अ ग्लो, तो जब हीट करता है तो ये ग्लो होती है, हम देखा वो प्रोसेस वो ग्लो होती है। अब ग्लो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिलीज देयर एनर्जी एज अ फोटॉन, जब ग्लो होती है तो ये फिलामेंट हमने ऐसा लगाता है जो कि इलेक्ट्रॉन एमिट करता है,
इसी तरह बाकी भी आप देखेंगे जहां जहां इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं हमने, जहां जहां आपको इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं वहां इलेक्ट्रॉन रिमिटिंग ये मटेरियल हमने यूज किया है, तो इससे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब रिलीज करेंगे देयर एनर्जी एज अ फोटॉन, फिर क्या होगा, फोटॉन एमिटेड द लाइट इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और उससे आपका क्या जो है विजिबल लाइट आपको मिल जाएगी। ये इसका छोटा सा प्रिंसिपल था और इसके पार्ट्स से जो हमने अभी आखिर में आप क्वेश्चन नोट कर लें, आखिर में हम सारे इकट्ठे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, समझे। अच्छा ये हो गया हमारा इनकैंडेसेंट लैंप। अच्छा उसके बाद देखें मटेरियल यूज फॉर फिलामेंट। अब इसमें देखें डिफरेंट मटेरियल्स का मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, टंगस्टन फिलामेंट है तो उसमें मेल्टिंग पॉइंट 34 है, कार्बन है तो ये है वो ये है ये कौन सा है टेंटेनियम जो है ये इसका मेल्टिंग पॉइंट ये 3117 लिखा हुआ, ठीक है, ये तो हो गया जी। अब इसमें देखें तो आपका लो प्राइस ड्यू टू लो इसकी जो एप्लीकेशन है या इसका जो एडवांटेज आप कह लें वो है लो प्राइस ड्यू टू लो इनिशियल कॉस्ट, ये हमें सस्ता मिल जाता है। और अभी तो अच्छा उसके बाद यूजर देखें अगर आप तो एनर्जी ये इजी जो है ऑपरेशन है और यूजर डेफिनेटली इजी भी है, और उसके बाद यह इट इज यूज एज अ डेस्क लैम्प या डिफरेंट पुराने यूज होते थे हमारे। अच्छा उसके बाद और इसकी एप्लीकेशन है होटल मॉल और ये सारे आउटडोर आपको पता ही है, ये सारा एक्सेंट लाइटिंग में भी यूज होता है, और इसी तरह जो है माइट बल्ब डिफरेंट एक्सेंट या डेकोरेशन में जहाँ वॉल्स के साथ एक लाइट आ रही होती है तो अब उसको चेंज भी हो रहे हैं और लाइटिंग भी यूज हो रही है तो नाइट बल्ब जो है उसके अंदर पहले यूज होता है ज्यादा। अच्छा ये तो हो गया हमारा इनकैंडेसेंट लैंप इसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद है दूसरा फ्लोरेसेंट लैंप। फ्लोरेसेंट लैंप देखिए अगर आप इनकैंडेसेंट के अंदर और भी है ये एवेपोरेशन ऑफ फिलामेंट इज लेस, एवेपोरेशन इसका वो प्रोसेस वाला काम नहीं है, ये एवेपोरेशन ये प्रॉब्लम होता है लेकिन इसके अंदर वो नहीं है, इसका एडवांटेज है। एफिशिएंसी एंड लाइफ भी इस बल्ब की ठीक है, वैसे हमने देखा कि एनर्जी सेवर डिफरेंट कंपनीज के आ रहे हैं, वैसे वो आ रहा है जो फिलिप्स के आ रहे थे बड़े अच्छे थे लेकिन इतने महंगे हो गए, कितने का है अब तो वो आने बंद हो गए, आने बंद हो गए मार्केट में, इतनी प्राइस थी उनकी और उससे कम्पिटिटिव प्राइस वाले सारे आ गए हैं मार्केट में तो उनकी वो सेल ही खत्म हो गई है क्योंकि हमें लो कास्ट चाहिए, लेकिन लो कास्ट नुकसान ये है कि हम जितने भी लेते हैं वो सारे कौन सी कंपनी है लोकल जो है वो हम लेते हैं तो कुछ थोड़ी देर बाद जो है वो सारे वो होते हैं, लेकिन वो फ्री ले लेते हैं कि फ्री वापस करें और डब्बा उसका रखें तो संभाल के रखें और रख के तो वन ईयर वारंटी के साथ गर्म करते हैं, ठीक। तो लेकिन यह है कि उनकी वो कोई लाइट नहीं है, वो फिलिप्स वाले थे तो बड़ा यूज करते, इनकी लाइट भी डिम हो जाती है, इसका यह है कि ये बल्ब की लाइट डिम नहीं होती, ये भी एडवांटेज है इसका, उनकी लाइट भी डिम हो जाती है, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो भी कोई तरह वो पायदार नहीं है जो अभी आ रहे हैं, इसलिए वो भी टेस्ट एंड ट्रायल से गुजर रहे हैं। इसी तरह जब कंपनी स्टार्ट करते हैं कुछ बींग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप भी अगर कोई जिस तरह वो मैंने पर्सनैलिटी टाइप दी थी बीच में कुछ बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो गया आपसे तो वो उसमें से जो शुरू करेंगे तो उसमें ये कंपनी का यही है कि आप करें तो उन्होंने बनाने हैं फिलामेंट ये बल्ब बनाने हैं एनर्जी से बना रहे हैं या LEDs बना रहे हैं उन्होंने अब टेस्ट करना है तो टेस्ट क्या करेंगे क्लाइंट्स को क्या कर रहे हैं वो अभी दे रहे हैं लेकिन इंसेंटिव ये देगा अगर चल गया तो मैं एक साल तक आप वो बॉक्स वो डब्बा संभाल के रखें और हमें वापस कर दें फ्री में हम दूसरा देंगे। असल में वो चेक कर लेते हैं कि ये जलता है फिर वो उसका ट्रबल शूटिंग देखते हैं क्या मसला बना हमारे इनमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है किस रीजन में कौन सा आ रहा है फॉर एग्जाम्पल इस रीजन में आया तो इस रीजन में हो सकता है वोल्टेज डाउन हो मतलब ज़्यादातर वोल्टेज डाउन होती हो वापडा से वो लाइन कोई रीजन है उसमें ओवर वोल्टेज होती हो या कुछ किसी जगह जर्क आते हो समझ आ रही किसी जगह पे इंडस्ट्री लगी होगी तो इंडस्ट्री लगी है तो इंडस्ट्री में मशीनरी बड़ी इंडक्शन मोटर्स लगी हैं इंडक्शन मशीन्स लगी हैं वहाँ मशीनरी में मसला है जैसे मिसाल तौर पे टेक्सटाइल में हमारा जो एप्टमा है आल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन एप्टमा तो उस एसोसिएशन के अंदर उनको प्रॉब्लम इलेक्ट्रिकल का प्रॉब्लम जिस तरह आ रहे हैं कि उनको जर्क एक जर्क से उनकी पता नहीं कितनी लूम कितना धागा जो है वो खराब हो जाता है सिर्फ एक जर्क से और एक मिनट का जर्क आता है तो वो कहते हैं वापडा वाला का मसला है यूटिलिटी कंपनी का यूटिलिटी वाले कहते हैं कि आप मशीनरी ऐसी यूज करते हैं सेकंड स्टैंडर्ड के वो आपकी उसकी वजह से जो ट्रांसिएंट आते हैं या जो हार्मोनिक्स आते हैं वो आप ग्रिड में इंजेक्ट करते हैं उसकी वजह से मसला आ रहा है तो ये मसला हमारा है कि हम हल करें एकेडमिया जो हमारी यूनिवर्सिटी है ठीक है तो इस लेवल पे वो मसले जो है ना हमने अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट फिर मास्टर के और PhD तो इस हवाले से मैंने बल्कि आपको बताना था कि जिस तरह एक स्टूडेंट ने आज बड़ा अच्छा बताया तो कुछ हमारे इधर से ग्रेजुएट हो गए हैं आपके जानने वाले भी हैं कुछ तो कुछ डिफरेंट इंडस्ट्रीज में लगे हुए हैं तो लगे हुए हैं तो उनको भी जरा थ्रू करवाएं तो हम उनके साथ मिलकर तो कुछ प्रोजेक्ट इंडस्ट्री के उठाते हैं उठा के तो हम उनको बच्चों को साथ अंडर ग्रेड है तो उनको हम 1.5-2 लाख दे देते हैं पैसे दे देते हैं तो पैसे दे के हम उनको सुपरवाइज करके अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स को तो उनसे वो प्रोजेक्ट बनवाएंगे पैसा वहाँ से आएगा ठीक है उनका मसला ये हल करेंगे ठीक है ये छोटे लेवल के अंदर इस तरह मास्टर PhD का जो मैंने अभी टेक्सटाइल का मसला बताया ये मास्टर PhD का है उन स्टूडेंट्स को सुपरवाइज कर सकते हैं हम इस हवाले से ठीक है तो ये भी आपने देख रखना कोई इस तरह का हो हमारा जो ग्रेजुएट या कोई भी आपके जहन में उनको थ्रू करवाना है ठीक है ये
अच्छा इस तरह आप देखें तो बात कहां से चली थी? अच्छा हमारे डार्कनिंग बल्ब डार्क नहीं होता है, ये चला कंट्रोल्स टेम्परेचर विद लिमिट, विद लिमिट, तो टेम्परेचर भी इसका लिमिट में रहता है क्योंकि सारी हीट जो है ना वायर हो जाती है बीच में, ट्रैप नहीं रहती। ये तो हो गया पुराना बल्ब, ये मना इनकैंडेसेंट। इस तरह फ्लोरोसेंट लैंप है, फ्लोरोसेंट लैंप में देखें कुछ पॉइंट्स जो भी आपके दिन में आप एक रजिस्टर रख लें उसमें लिखते जाएं, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें आप एडिशनल ऐड करना चाहें अगर क्लास पार्टिसिपेंट, आखिर में ऐड कर दीजिएगा मेरे आखिर सेशन में, ठीक है? तो अच्छा उसके बाद फ्लोरोसेंट लैंप है, फ्लोरोसेंट लैंप में देखें भैया ट्यूब लाइट है, जस्ट हमारी जो ट्यूब लाइट है ना वो वाली है, उसमें देखें तो ये हमारी मेन सप्लाई है, मेन सप्लाई के बाद ये ब्लास्ट है, ये चोक है, चोक लगाई हुई है एक पॉइंट में, चोक के बाद जो है ये बीच में फिलामेंट इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, ये टंगस्टन का बना हुआ है इलेक्ट्रोड ये वाला, ये तो ये जो कनेक्शन है ब्लास्ट के बाद आपने क्या किया, ये जस्ट स्पोर्ट है, स्पोर्ट है, और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जस्ट इधर जा रहा है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड के बाद दोबारा वापस आ गया और यहाँ से कनेक्शन होता हुआ ये हमारा स्टार्टर है जिसके अंदर नियान बल्ब लगा हुआ है और कैपेसिटर लगा हुआ है, और उसके बाद फिर हमारा जो है वो ये सप्लाई वापस जो है ये इधर आ गई, ठीक हो गया। अच्छा अब हमने करना क्या है कि जब हम कनेक्शन इसमें से काम तो नहीं हमारे लगा पॉज़ ये कनेक्शन।